सो हे गाइस, दिस इज शमीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीबा की बी। तो दिस इज द थर्ड वीडियो, आई थिंक द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पुराने जो अपने सीरीज या फिर मैंने जेल 50 का भी किया था, जो मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वैसे सीरीज या फिर मूवीज के मैं क्लिप्स को लेता हूँ। तो मैंने शक्तिमान का बनाया था, मैंने कैप्टन व्योम का बनाया था, और अभी बनाऊंगा मैं आर्यमान का। तो एक ट्रिलॉजी टाइप का वो हो जाएगा पुराना, अपने 90s के जो नॉस्टैल्जिक सीरीजेस के जो VFX ब्रेकडाउन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीट भास्कर, आई थिंक यू ऑल नो हु ही इज। भास्कर का मैंने एक बहुत अच्छा इंट्रो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है अपने ग्राफिक डिजाइनर जो सीरीज बनाया था मैंने 4 वीडियो का, उसमें भास्कर का एक पूरा इंट्रो दिया हुआ है। ही इज़ बेसिकली माई कलीग, माई फ्रेंड, एंड वी वर्क टूगेदर, एंड वी बोथ आर वीडियोग्राफर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एंड एवरीथिंग दैट इज आर्ट और क्रिएटिव। और हमारा जो इंटेंशन है वो किसी का मौकरी या फिर किसी को मजाक उड़ाने का नहीं है, बट इन सब वीडियोज से जो आज से 20 साल पहले बने थे उन सब से आज हम लोग क्या सीख सकते हैं, दैट इज द मेन इंटेंशन, मेन मोटिव। सो हम लोग आर्यमान के इंट्रो से शुरू करेंगे, देन विल मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, ये मुझे पता नहीं कि YouTube का है या फिर जिन्होंने भी अपलोड किया है उनका प्रॉब्लम है, बट जो मेन इंट्रो है भीष्म इंटरनेशनल का और जो आर्यमान का इंट्रो था उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। सो जो भीष्म इंटरनेशनल का रेशियो था वो था आई थिंक दिस इज 3:2 पाल जो उसको बोलते हैं पाल रेजोल्यूशन वो था, एंड देन सडनली यहाँ पे रेजोल्यूशन इज एनटीएससी बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म अभी स्क्रीन में आ रहा होगा आप लोग, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली। तो आई डोंट नो ये उन लोगों ने मे बी अपलोडिंग का भी हो सकता है, हाँ बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इज मेड ओनली इन कंप्यूटर, हाँ तो उसके वजह से भी हो सकता है ये शूट नहीं है। एंड जो आप 3D आप लोग देख रहे हो ना, दिस इज लाइक हम लोग जब काम करते थे तो दिस इज द फर्स्ट रेंडर, क्योंकि इसमें ना तो लाइटिंग का काम हुआ है ना तो टेक्स्चरिंग का ज़्यादा काम हुआ है, दिस इज द फर्स्ट रेंडर भास्कर। हम लोग मॉडलिंग करके तो दिखाने के लिए तो करते हैं, जो निकलता है पहला वाला वो है ये, इसमें ना एनवायरनमेंट का कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। एंड फिर से ये हम लोग वी आर नॉट लुकिंग डाउन ऑन दिस थिंग्स, ये उस जमाने में इससे भी थोड़ा बेटर हो सकता था, दैट इज व्हाट आई फील, बिकॉज शक्तिमान में इससे बेटर काम हुआ है पहले भी। सो या कैप्टन व्योम में भी इससे थोड़ा बेटर, हाँ थोड़ा बेटर हुआ है। एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है अभी बताऊंगा आप लोग को, भास्कर नोटिस किया क्या हुआ अभी अभी तो बेसिकली क्या है, जो ब्लास्ट होता है सो ब्लास्ट से प्लेन को निकलना चाहिए ठीक है, बट यहाँ पे ना वो ऐसे आ जाता है, मतलब प्लेन यहाँ पे वो अराइवल वाला नहीं है, स्मोक से जो निकलता है, स्मोक हाँ बीच में से नहीं निकला, टक। सो इसका एकदम मतलब जो जुगाड़ू हुए है मतलब बेटर करने के लिए कि क्रॉस फेड जो प्लेन है उसको थोड़ा क्रॉस फेड कर देने से ऐसा लगेगा कि वो धुएं से निकल रहा है, वो ब्लास्ट भी अचानक से एंड होता है तो धुएं में खत्म होता है, आफ्टर 2 सेकंड्स यू डोंट इवन नो कि उधर ब्लास्ट हुआ था। अभी यहाँ पे ये बोलना जरूरी है कि वी हैव नो आइडिया कि कितना टाइम मिला था VFX जो टीम था उसको ये एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर क्या चैलेंजेस थे उनके पास। यहाँ से आई थिंक शक्तिमान कॉस्ट्यूम वाज बेटर, ये VFX से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल शक्तिमान कॉस्ट्यूम, हाँ शक्तिमान का कॉस्ट्यूम इट्स नॉट दैट परफेक्ट, इसके हिसाब से थोड़ा एजेड लगता है ये कॉस्ट्यूम, थोड़ा सा मतलब, और ऑब्वियसली देयर आर इंस्पिरेशंस फ्रॉम स्टार वॉर्स एंड एवरीथिंग, स्टार वॉर्स आई थिंक, लेकिन हम लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे आपको पता है, क्योंकि स्टार वॉर्स वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्लैश गॉर्डन, एक बहुत पुराना सीरीज था उससे इंस्पायर था एक्चुअली, जॉर्ज लुकस वॉन्टेड टू मेक फ्लैश गॉर्डन का जो मूवी था वो बनाना चाहता था, बट he didn't get the rights so he made his own space opera, so it was very much inspired, matlab
यहाँ पे जो नेम कास्टिंग है वो जो प्लेट से जाने वाला दैट इज द सेम एज स्टार वॉर्स, और स्टार वॉर्स ने कॉपी किया था फ्लैश गॉर्डन से. तो यहाँ पे हम लोग वो रेफरेंसेस की बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ सेम सेम है. एंड मुकेश खन्ना जी को मैं एक बोलना चाहूँगा कि द सॉन्ग्स ही क्रिएटेड फॉर दीज सीरियल्स आर एक्चुअली गुड. Goosebumps. So it's actually very good and Vinod Rathod ne bahut acha gaya hai. Dig digant aur anantak dhoom jayaman hai. Brahmanad hai vidhi ka wo atal vidhan hai. Dharm ki adharm bas vijay aur hai. And one more thing, I'm so proud कि पूरा name casting हिंदी में किया है. वही मुझे लगता है कि ये I think after the success of शक्तिमान ये थोड़ा जल्दी जल्दी में ये लोगों ने कर दिया, ताकि मतलब probably because of that थोड़ा सा unfinished लगता है. दूरदर्शन raise the price for शक्तिमान looking at its success. So ऐसा कुछ हुआ था कि दूरदर्शन का पर शो टेलीकास्ट करने का जो प्राइस था दैट वॉज मतलब एंड ऑफ शक्तिमान वो बहुत ऐसे 7 times 8 times हो गया था. सो पर एपिसोड जो दूरदर्शन को पे करना होता है, सो दैट वॉज समथिंग मे बी उसके लिए एक अलग से करना पड़ा, मे बी आई डोंट नो. उन्होंने कहीं पे एक वीडियो में तो बोला था, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं नीचे डाल दूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मुकेश खन्ना इन दिस सीरीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्यमान. अभी तक आर्यमान बोला नहीं गया है उनको. सो ही इज बेसिकली इन हैंड टू एंड स्वॉर्ड फाइट विथ किरण कुमार जो इनके गुरु है. ये कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, मतलब इसको बोलते हैं हेड एंड टेल ऑफ द क्लिप. मतलब अगर आपका दो क्लिप अगर आप मर्ज कर रहे हो तो एक क्लिप का टेल और दूसरे क्लिप का हेड, मतलब मैं अगर कट्टू करूँगा कि मैं इसको पकड़ रहा हूँ और कैमरा शिफ्ट होगा उधर से, तो नेक्स्ट शुड बी फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट. तो उसको हाँ, तो एडिटिंग में उसको हेड टू टेल को मैच करना बोलते हैं, जो वो एडिटिंग टूल है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुकेश खन्ना को धक्का लगा और पता चलता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद इतना दूर गिरने वाला वो थोड़ा प्रॉब्लम है. ये पूरा सीन मैंने कल रात को नहीं देखा था, अभी मैं देख रहा हूँ. सो बेसिकली क्या है कि अगर इतना धूप है सीन में बट स्टिल द लाइट सेवर्स आर ग्लोइंग सो मच, अगर आप किसी भी धूप वाले सीन में व्हाइट ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो उसको ग्लो कराना इज अ वेरी बिग टास्क. लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो कि किसी बंदे ने लिटरली ये पूरा ट्रैक करके इनको लगाया है फ्रेम बाय फ्रेम. क्यों मास्क पता है, मैं तुमको दिखाता हूँ. ये देखना अभी यहाँ पे ट्रैक किया है, ठीक है, इस पॉइंट पे सर के पीछे चला गया. हाँ आई थिंक वो मुकेश को ना जंप करते वक्त यहाँ राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड. हाँ सी दिस आर नीट पिकिंग. ओके प्रोबेबली ल्यूकस ने इंस्पिरेशन लिया था, ये ऑलमोस्ट ज्यादा ही इंस्पिरेशन, ऑलमोस्ट द कैरेक्टर्स और टीम मेन. हाँ एग्जैक्टली. किरण कुमार तो आई थिंक Liam Neeson वाला करेक्टर है, इवन द हेयर स्टाइल इज सिमिलर. ये अटेम्प्ट अच्छा है ना उसका, क्योंकि कैमरे को मूव करते हुए वो जो पैरेलैक्स वाला इफेक्ट है, लेविटेट हो रहा है वो पता चलता है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 जन तो सेम ही है. सेम है, बस फ्लिप कर दिया, 7 जन को फ्लिप करके उनको यूज किया है. तो बेसिकली क्या है, इन लोगों ने सिर्फ 2 कपल को शूट किया ये पूरे सीन में, उनको बस रिवर्स कर करके वो किया है. इसमें भी एक उन लोग कर सकते थे कि की फ्रेम में अलग अलग टाइम पे हाथ उठाते तो भी थोड़ा सा ऐसा लगता कि दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. ये तो ऐसे अभी सेम सेम हो गया एक साथ. See again, we don't know कि कितना टाइम मिला था टीम को, कितना, क्योंकि ये वीकली आया था तो पता नहीं, मतलब we are not criticizing them, but better हो सकता था definitely. Actually इसमें और एक problem है कि इतना crowd दिखा रहा है, blur नहीं, depth नहीं, exactly. It's very flat. तभी ऐसा नहीं लग रहा है कि it is a huge, बहुत सारे लोगों को ये address कर रहा है. तो basically किरण कुमार is in focus. और पीछे के जितने भी लोग हैं थोड़े से मतलब कैमरा ब्लर, नॉट गॉशियन ब्लर, कैमरा ब्लर, क्योंकि गॉशियन ब्लर से अलग इफेक्ट आता है थोड़ा कैमरा ब्लर डालने से, तो थोड़ा वो. और पैरेलैक्स इज नॉट परफेक्ट ऑब्वियसली, वो अभी ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत बुराई कर रहे हैं. तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन. तो अभी ये जो सीन आएगा ना, इसमें बेसिकली क्या है, जो भास्कर ने बोला था कि
ग्रीन स्क्रीन में रिफ्लेक्टिव सरफेस से प्रॉब्लम होता है. सो जो रोबोट है दैट इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो उसमें भी पास का देखना पूरा चला गया, मतलब इट्स ही इज नॉट इवन ग्रीन, उसमें ग्रीन कलर था और वो चला गया. हाँ पूरा गया. इधर अगर थोड़ा जूम करेंगे ना तो और ऊपर से मूव हो रहा है, इट इज मूविंग, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, वो शैडो भी नहीं है. तो बेसिकली क्या है कि जो जितना भी रिफ्लेक्ट हो रहा था ग्रीन कलर वो पूरा कट रहा है. इसलिए शायद उन लोग को फेदर करना पड़ा है. अगर आपको किसी क्लाइंट ने बोला है कि ग्रीन स्क्रीन कर देना, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसे ही नहीं कर सकते ग्रीन स्क्रीन. अगर हम लोग ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन करेंगे तो जो नवमी ब्रह्मपुत्र में जो हुआ था बिकॉज उसका एफर्ट बहुत अच्छा था. मैंने पापन मोहंतो का वो भी दिखा था, इंटरव्यू भी दिखा था. सो बेसिकली उसमें चैलेंज था टू गेट एवरी वन्स क्लिप्स. अमिताभ बच्चन ने अच्छा किया कि ही एक्चुअली शॉट प्रॉपरली. देन बाहर से जो हुआ था इंट्रोडक्शन शॉट, भजन, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, उन लोगों ने बोला कि मैं फ्री में कर दूंगा. देन दे जस्ट उनके बस घर में ऐसे पीछे कुछ लटका के शॉट करके लेके आ गए. सो वो हटाना मुश्किल होता है, दैट इज नॉट टू डू. मतलब वो होता है अगर आप बहुत जुगाड़ लगा रहे हो तब वो वाला इफेक्ट आता है, बट अदरवाइज ग्रीन स्क्रीन इज मतलब उसमें बहुत सारा प्लान चाहिए. ऐसे भास्कर को भी याद होगा, हम लोगों ने बहुत सालों पहले जुपितरा के साथ एक क्रोमा शूट किया था. एंड ग्रीन स्क्रीन मतलब क्रोमाज आर एक्सट्रीमली ट्रिकी. मतलब अगर आप कभी क्रोमा करने की सोचोगे ना तो बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना होता है. फर्स्ट इज नॉट ओनली सब्जेक्ट लाइटिंग बट द क्रोमा लाइट एज वेल. क्रोमा जो पीछे का स्क्रीन है उसको इक्वली लाइट करना है. देन आप कितने दूर में कैमरे को प्लेस कर रहे हो, कितना पास से कैमरे को प्लेस कर रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स. वो क्रोमा का जो मतलब क्रोमा से भी दूर खड़े रहना पड़ता है क्योंकि क्रोमा का शेडो आता है, शेडो आता है, क्रोमा का लाइटिंग भी आता है. अगर ग्रीन है और आपके हाथ पे ग्रीन का वो ग्रीन रह जाएगा तो ऐसा है कि आपके पीछे सी है बट आपका हाथ में ग्रीन कलर का एक लाइट है तो इट डजंट लुक गुड. सो ऑल दिस ये सब पूरा ध्यान रखना होता था. और हम लोग जब ट्राई किए थे तब प्रीमियर वॉज नॉट दैट एडवांस. अभी जो प्रीमियर का AI है, अगर अनइवन लाइटिंग भी है तो दे विल ट्राई. बहुत सारा एक्सटर्नल ये भी है जहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा हम लोग का ग्रीन नहीं हुआ या लाइटिंग अच्छा नहीं हुआ. हम लोग का एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है आजकल, तुमको याद होगा वो जुपिटर ने वो पहना था ब्लैक ट्रांसपेरेंट टाइप का. हाँ. वो पहना था तो शी वॉज एक्टिंग लाइक दिस, तो क्या होगा ब्लैक के बीच में से ग्रीन दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन का. सो उसको की करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था वो वाला चीज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने क्या किया था, इतना पार्ट में ग्रे स्केल कर दिया था, मैंने कुछ कुछ जुगाड़ लगा के मैंने किया था. और उस टाइम हम लोग को उतना ध्यान नहीं था कि ड्यूरिंग शूट क्या क्या हम लोग को ये करना है कि देखना है कि ये सब नहीं चाहिए, कितना डिस्टेंस में खड़ा होना चाहिए, कितना लाइट चाहिए. जो कैमरा पर्सन थे सूरज दा उनको नेशनल अवार्ड भी मिला बाद में. सो एक्चुअली वी आर प्राउड कि हम लोगों ने तभी उन लोग से काम कर दिया था. लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मेरे पास वो क्लिप नहीं है. अगर विथुपन के पास होगा तो एक बार पूछना पड़ेगा, कहीं होगा वो क्लिप. आई कांट शो यू, मेरे पास तो नहीं है, मैंने बहुत दिनों से ढूंढा था पर मेरे पास नहीं है अभी. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग जब ये कमेंट कर रहे हैं ना, मतलब वी आर सेइंग कि कोई हम लोग के वीडियो में भी कमेंट करेगा हम लोग को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग ने ट्राई किया था. और उस टाइम हम लोग का जितना नॉलेज था लिमिटेड, हम लोगों ने प्रोबेबली ये सब में भी ऐसा ही हुआ होगा. और ये क्रिटिसिज्म मतलब मुझे बुरा बोल के अच्छा नहीं, मैं बैठ के देखते रहता हूँ ये सब. मतलब दिस सीरियल्स मुझे इतने पसंद है बट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. पास कर अगर कोई दूसरा बंदा है जो आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, आपको कुछ भी अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच कर सकते हो, अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला दैट इज माई मोटिव एक्चुअली. ये पहले स्टूडियो में होता था इतना लेवल, अभी ये घर पे हो सकता है, कोई अकेला कर सकता है, ये टीम ने किया होगा. आजकल अकेले कर सकते हो, इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी. सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हम लोग इससे बेटर कर सकते हैं. और पहले क्या था कि हम लोग मैं भास्कर सूरी तो बीतमन हम लोग पहले भी ऐसे मूवीज को लेके स्टडी करते थे, अभी बस कैमरे के सामने करते हैं. आप लोग को देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बात करते हैं, इसको बोलते हैं मूवी स्टडी. मतलब उसको करना ही जरूरी है. एंड भास्कर ये लास्ट सीन है, मैं इसमें कोई VFX नहीं है बट आप लोग भी देख लो ये सीन में, आपको क्या याद आता है, मतलब ये थोड़ा ईस्टर एग टाइप का है. बैकग्राउंड नहीं पता चला ना. ये वो सेम बैकग्राउंड, ये सेम सेट है
जहाँ पे शक्तिमान पहली बार बना था, मतलब वो जो आहुति होने के बाद जो आता है द थिंग है, तो आई थिंक ये विश्व इंटरनेशनल का आई थिंक खुद का सेट होगा शायद कहीं पे उन लोगों ने बना के रखा होगा। हाँ मैं ये बोलना चाहता था कि पहले मुझे लगता था जब ये आर्यमन आया भी था, मतलब बचपन में मुझे नहीं पता कि मैं इतना छोटा था तब तक मुझे स्टार वॉर्स है, ये स्टार वॉर्स से लिया हुआ है वो मालूम था। हाँ और तभी मुझे लगता था कि जैसे शक्तिमान किसी चीज़ का रिप ऑफ नहीं हो सकता, विलेंस या थोड़ा स्टोरी लाइन इधर उधर से या कुछ एक दो पावर कॉन्सेप्ट वाइज शक्तिमान वाज वेरी ओरिजिनल, मतलब कॉस्ट्यूम देख लो, कॉस्ट्यूम तो वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट्यूम का सुपर हीरो, तो वो अच्छा था और इसलिए देख के मजा था। जब ये आर्यमन रिलीज हुआ या फिर तभी एक टाइम पे आया था बेताल पच्ची से भी डायरेक्टली रिप ऑफ ऑफ फैंटम था, तो मुझे लगता था कि ये जो हम लोग का इंडस्ट्री है ये हम लोग को ऐसा चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं जो हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि ये स्टार वॉर्स का ऑलमोस्ट कैरेक्टर वाइज, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो डेट इज़ फाइन, बट कैरेक्टर वाइज उन लोग का मेकअप वाइज लाइट सेवर हो जाए या जो विलेंस भी है वो सब भी, अभी मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ है अभी ये पॉइंट पे कि क्योंकि ये दूरदर्शन में आता था और हम लोग तभी गुवाहाटी में रहते थे, मेट्रो में रहते थे, हम लोग का एक्सेस था कि हम लोग केबल लगा के स्टार वॉर्स देख सके या फिर सीडी मिल जाए, बट 80% ऑफ द पॉपुलेशन को शायद स्टार वॉर्स क्या है मालूम ही नहीं है, और उन लोग के लिए ये काफ़ी इनोवेटिव था, जिसने कभी हॉलीवुड मूवी देखा ही नहीं उन लोग के लिए उतना 3D भी वॉज प्रोबेबली वेरी नाइस। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैं मुकेश खन्ना जी को थोड़ा भी ब्लेम नहीं करूंगा इसमें, बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर, ही विल से कि आई वांट टू गो बियॉन्ड अर्थ नाउ, क्योंकि मैंने शक्तिमान में भी बोला था कि शक्तिमान वॉज अ वेरी बिग स्टोरी इन अ वेरी स्मॉल स्केल, ज्यादातर चीजें मुंबई में होती है, बट द स्टोरी वॉज अबाउट गुड वर्सेस इविल। तो मुकेश खन्ना ने बोला होगा कि गेट अ टीम की मुझे अभी थोड़ा बड़ा जाना है, मतलब आई वॉन्ट टू बिग मेक समथिंग बिग, तो मोटिव अच्छा था ऑब्वियसली, वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम अर्थ, तो मोटिव अच्छा था। हाँ बट जो प्रोडक्शन या फिर राइटर्स जिन 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 लोग भी होंगे, जिन लोगों ने भी वो किया था, आई हैव नो आइडिया कि उनके चैलेंजेस क्या थे, कितना क्या डेडलाइन था मुझे नहीं पता, बट इससे बेटर मे बी हो सकता था, एटलीस्ट पुश कर सकते थे थोड़ा, मतलब कि कहानी को लंबा नहीं बना के जितना भी एपिसोड्स बनेगा वो अच्छा बनाऊंगा। बट एनीवे गाइस दिस इज इट, आई थिंक ये 3-4 सीन्स ही थे आर्यमन में, और इससे बेटर भी हम लोग जितना भी मैंने देखा था उसमें सेम ही था, मतलब ग्रीन स्किन करते हैं, थोड़े ऑब्जेक्ट्स रियल रखते हैं, देन वो था 3D था, फर्स्ट एंडर में बोलूंगा उसको, ज़्यादा डिटेल 3D नहीं था, ऑब्वियसली मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। सो दिस इज इट, ये है तीसरा आई थिंक चौथा वीडियो ऑफ दिस सीरीज, और मैं बनाऊंगा बाद में, आई थिंक इसके बाद हातिम का आएगा जो थोड़ा तो वैसे मैं करते जाऊँगा हातिम ये सब कुछ, एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं अलिफ लैला का भी करूँ, बिकॉज दैट इज लाइक मोर प्रिमिटिव। तो अलिफ लैला में क्या था, ग्रीन स्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, एवरीथिंग वाज ऑन कैमरा, कैमरा एंड मेकअप, हाँ जो बड़ा करते हैं छोटा करते हैं सब बड़े होते हैं, सो दिस थिंग्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि अलिफ लैला का भी एक करूंगा, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए मैं करूंगा। मैं इसीलिए हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रामायण करने के लिए भी बहुत बोला था, लेकिन रामायण महाभारत थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो पता नहीं मतलब उसके लिए, सो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। बट एनीवे दिस इज इट, अगर आप लोग को अच्छा लगा थोड़ा सा भी, अगर आप लोग को सीखने के लिए कुछ मिला इस वीडियो से, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। भास्कर का इंस्टाग्राम में इधर डाल दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो, ही लाइक्स टू रीड बुक्स और थोड़ा इंसाइटफुल बातें वो अपने इंस्टाग्राम में शेयर करता है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, और ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज जस्ट वन डिस्कशन, ताकि कोई अगर दूसरा बंदा, क्योंकि हम लोग को नहीं मिला था भास्कर, जब हम लोग सीख रहे थे हम लोग को ये सब नहीं मिला था, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मे भी थोड़ा हेल्प हो सकता है। So that's it. See you in the next video.